न्यूज नाउ में आपका स्वागत है। इटावा NH2 बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही से चलते बाइक सवार माँ बेटे को रौंदा, जिसमें माँ की मौके पर ही मौत हो गई और बेटा अभी गंभीर रूप से घायल है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर PM हाउस पहुंचाया। बेटा माँ को लेकर इटावा से औरैया की तरफ जा रहा था, उसी वक्त हादसा हो गया। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मौके पर थे आप? हाँ, मैं उधर खड़ा था, मैं जा रहा था बीवी के घर पे, बात दे रहा था गाड़ी को, तो गाड़ी रुकी नहीं, तो इधर एकदम आवाज सी आई, मैंने आके इधर देखा तो यहाँ भीड़ थी, 6-7 आदमी खड़े थे, एक महिला पड़ी थी वहाँ पर और गाड़ी भी पड़ी थी वहाँ पर बाइक, तो वो एक आदमी साथ में वो रो रहा था, मैंने आके देखा महिला को तो वो मौत हो गई और देखने में सोलंबर कहीं जा रही थी, वो सोलंबर थी और साथ में और थी उनकी गाड़ी, वो कहीं जा रही थी, उन लोगों ने फिर लाद कर वो लेकर ले गई, दिल की तरफ लेकर चले गई। जो ट्रक था मौके से भाग गया, ट्रक वाला इतनी निकल गया, वो दुखा नहीं थी, हम लोगों ने पूछा भी भाई गाड़ी नंबर लिया हो कुछ कैरियर नहीं ले पाए, हमारे टक्कर लगी तो हम वो फुल की ग्रेल में फंस गए, तो समझ में नहीं आ पाया। तो जो एक्सीडेंट का एक्सीडेंट हुआ है वो कोई जानकारी है कहाँ के रहने वाले थे?